हमारे साथ इस नए टॉपिक में क्या है। हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसके हमारे साथ क्या है, जिसके हमारे साथ एक एंगल दिया गया होता है। ये आप देख रहे हैं हमारे साथ इसमें एक एंगल दिया गया होगा और इसमें हमारे साथ दो साइडों की पैमाइश दी गई होगी। ये हमारे साथ ये ट्रायंगल है एल एम एन, इसकी हमारे साथ एल एम साइड 3.5 इंच है, एल एन साइड इसकी 3 इंच है और इसमें एंगल एल जो है वह 40 डिग्री है। हमें ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो इसकी बनाने का तरीका निहायत ही आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ये लाइन कितना है, हमारे साथ ये लाइन एल एम का एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और 3.5 तक इस लाइन को लेके आएंगे। ये हमारे साथ 3 है और 3 से आगे आप 1, 2, 3, 4, 5 तक काउंट करें। तो हमारे साथ ये क्या हुआ, ये एल एम एक लाइन हमने ड्रा कर दिया। ये हमारे साथ एल है और ये हमारे साथ एम है। अब इसमें हमारे साथ क्या है, हमारे साथ अब इसमें जो एल पॉइंट है, इस एल पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे साथ ये एंगल एल है 40 डिग्री, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर के मदद से यहाँ पे 40 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर पोजीशन करेंगे और 40 डिग्री का एक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। आप इस दो एल और इस पॉइंट को मिला देंगे, हम इस पॉइंट को हम नाम भी देते हैं। हमारे साथ ये पॉइंट क्या है, एन पॉइंट है, हमारे साथ एल एम एन ट्राइंगल है और ये पॉइंट हमारे साथ क्या बना, एन बना। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ ये जो एंगल बना, ये हमारे साथ कितना है, 40 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसके बाद हम इस तरह करेंगे, हमें हमारे साथ ये जो एल एन लाइन है वो क्या है, 3 इंच है। तो 3 इंच लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को 3 इंच खोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 3 इंच खोलेंगे। यह आप क्या करेंगे, आपके साथ इसका जो पॉइंट है इसको 0 पे रखेंगे और 3 इंच तक इसको खोल दें। अब यहाँ से आप क्या करें, ये एल पे ये पॉइंट रख दें, एम पे, और यहाँ से आप क्या करें, एक आर्क ड्रॉ करें। आर्क ड्रॉ कर दिया तो हमारे साथ ये क्या है, यह जो क्रॉसिंग पॉइंट आया, यहाँ पे हमने ये एन लिखा है, ये एन का हमारे साथ करेक्ट पोजीशन ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस स्केल के मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये हमारे साथ रिक्वायर्ड ट्रायंगल था जिसमें हमारे साथ 3.5 इंच एल एम है, 3 इंच हमारे साथ क्या है, ये साइड है और हमारे साथ 40 डिग्री हमारे साथ इसमें एंगल एल है। तो ये था हमारे साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमारे साथ एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हमारे साथ वो एक ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं जिसमें हमारे साथ सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब चेक करते हैं, हमारे साथ तो इसका ये एंगल क्या है, 40 डिग्री है। आप इस एंगल को भी देखते हैं कि हमारे साथ ये एंगल कितना है।
तकरीबन हमारे साथ ये एंगल आता है 55, आता है 55। अब हमारे साथ इस एंगल का मेजरमेंट करते हैं कि हमारे साथ ये एंगल कितना आता है, 80 आता है। तो ये था हमारे साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जो हमने क्या कर दिया, बना दिया। अब हमारे साथ अक्सर इस तरह होता है, मेजरिंग एरर होते हैं। अब अगर आप इसकी टोटल जो एंगल्स की पैमाइश होते हैं, इसको अगर ऐड करें तो आपके साथ 180 आएगा। अब अगर इसको हम ऐड करें तो इससे अगर थोड़ा कम या ज़्यादा आए तो इसमें क्या होते हैं, आप जब नापते हैं इसको, तो इस वक्त ह्यूमन बींग जो, चूंकि इसकी मेजरमेंट इतनी एक्यूरेसी से नहीं होता, तो इस वजह से इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा वो गलतियाँ होती हैं। तो इस गलतियों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और ये था हमारे साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल।